पूजन करे, सरस्वती माता का ध्यान करे, और उनके लिए एक श्लोक है जो विद्यार्थी के लिए है, जो श्लोक पढ़ करके माँ सरस्वती का ध्यान कर सकते हैं। श्लोक है, सरस्वती महाभागे विद्या कमल लोचनी विश्वरूपे विशालाक्षी विद्याम देही नमस्ते। कहा गया कि अगर जिसके पास विद्या है उसी के पास धन भी होता है, विद्या के बाद ही धन का आगमन होता है। कोविड के कारण दुनिया का हर चीज रुक गया, लेकिन 2.5 साल में कभी सरस्वती पूजा नहीं रुका। हम लोग पढ़ते हैं और उसी से सरस्वती, क्योंकि उससे हमारा मन पढ़ने की ओर जागृत होता है। हमने ध्यान में रखा है और ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं करना था, इसलिए हमने पंडाल भी बहुत छोटा ही बनवाया। नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। इस साल सरस्वती पूजा आज यानी कि 5 फरवरी शनिवार को पूरे देश में उत्साह के साथ बसंत पंचमी के दिन मनाया जा रहा है। इस दिन ज्ञान, वाणी और विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा आराधना विधि विधान के साथ की जाती है। वहीं सुबह से ही छात्रों द्वारा बनाए गए पूजा पंडालों व मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। झारखंड के विभिन्न जिलों में छात्र आकर्षक पंडालों का निर्माण कर मां सरस्वती की प्रतिमा को स्थापित कर पूजा में जुट गए। इधर कोरोना के कारण इस बार पूजा पंडालों में कई जरूरी एहतियात भी बरते जा रहे हैं। भक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सके, इसके लिए ज्यादातर पंडालों को बड़ा व खुला हुआ बनाया गया है। छात्रों द्वारा लोगों से अपील की जा रही है कि वो मास्क लगाकर दर्शन के लिए पहुंचे। सबसे पहले बात यह है कि बसंत पंचमी के दिन, आज के दिन माघ महीना है, शुक्ल पक्ष तिथि है, बसंत ऋतु आज से आगमन है, ठीक है। उस दिन माँ सरस्वती का पूजा स्टार्ट कर दी जाती है, और विशेषकर आज के दिन विद्यार्थी लोग भगवती के पास बैठ करके एकाग्रचित मन से भगवती का ध्यान करते हैं, ठीक है, स्तुति करते हैं और धूप दीप नैवेद्य चढ़ा करके भगवती को प्रसन्न करते हैं। माता के पास आकर के बैठते हैं, पूजन करते हैं, माता का स्तुति करते हैं, धूप दीप चढ़ाते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं और भगवती से प्रार्थना करते हैं कि भगवती, आप मेरे जीवन में उज्ज्वल कामना के लिए मुझे आपका साथ चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। सरस्वती माता के पास खीर का भोग लगाया जाता है, उजला खीर, उजला चाहे कोई भी हो, उजला कोई भी प्रसाद हो, जैसे खीर हो गया, खीर माता के लिए प्रसिद्ध है, माता का प्रसिद्ध नैवेद्य खीर होता है। और आप सरस्वती पूजा के दिन एक विद्यार्थी को क्या सलाह देना चाहेंगे? हम विद्यार्थी को यही सलाह देना चाहते हैं कि आप लोग मन से भगवती का पूजन करें, सरस्वती माता का ध्यान करें, और उनके लिए एक श्लोक है जो विद्यार्थी के लिए है, जो श्लोक पढ़ करके माँ सरस्वती का ध्यान कर सकते हैं। श्लोक है, सरस्वती महाभागे विद्या कमल लोचनी विश्वरूपे विशालाक्षी विद्याम देही नमस्ते। ये मंत्र पढ़ करके अगर कोई भी माँ सरस्वती के पास पूजन करे, माँ सरस्वती का ये स्तुति सुन करके प्रसन्न हो जाती है, उनके ऊपर आशीर्वाद देती है और माँ का आशीर्वाद उनके ऊपर सदा बना रहता है। कैसे मना रही है सरस्वती? देखिए, सबसे पहले कोरोना काल में हम लोग कोरोना की स्थिति देखते हुए ये भक्ति जो है हमारी श्रद्धा जो है हमारा जो हिंदू परंपरा है हमारी भारत सभ्यता जो है संस्कृति जो है धर्म के निरपेक्ष राज हम लोग सब पूजा को मना रहे हैं, सरस्वती पूजन भी मना रहे हैं। लेकिन कोरोना स्थिति देखते हुए, गाइडलाइन देखते हुए, सरकार के नियम को पालन करते हुए और हम लोग सब व्यवस्था के हिसाब से अपने हिसाब से मना रहे हैं कि ताकि किसी को परेशानी ना हो, ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, श्रद्धालु भक्ति भाव से एक एक करके आ रहे हैं, पूजा करके अपना अपना जा रहे हैं। कोई भी नहीं किसी भी किसी प्रकार भीड़ भाव नहीं लगाना है हम लोग का, ये हम लोग का शुभकामना है। माँ भगवती से भी मना रहे हैं कि जो स्थिति जो है, बीमारी जो है, अनुकूल जो है, सब पर बरकरार है, सब कुछ स्वच्छ रहे, निरोग रहे, माँ भगवती से प्रार्थना है। उस विद्यार्थी लोग भी मना रहे हैं कि हे माँ भगवती, विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, हम लोग पर विराजमान रहें और विद्या देते रहें, प्रदान करते रहें।
कहा गया कि अगर जिसके पास विद्या है उसी के पास धन भी होता है, विद्या के बाद ही धन का आगमन होता है, अगर विद्या नहीं है तो धन भी नहीं हो सकता। इसलिए जो है सबको धन्यवाद मांग भगवती से मनाते हैं कि आप लोग बुद्धि दीजिए, विद्या दीजिए, ताकि हम लोग आगे और प्रगति करें। अपना परिचय पर मेरा नाम है राम आशीष मिश्रा। तो आप जैसे छोटे छोटे बच्चे लोग जो सरस्वती पूजा मना रहे हैं, तो आप लोग के अंदर जागरूक कैसे हुआ कि हाँ हम लोगों को इंटरेस्ट है मनाना चाहिए? क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं और उसी से सरस्वती मांगते, क्योंकि उससे हमारा मन पढ़ने की ओर जागृत होता है। मेरा नाम निशांत यादव है, मंदिर समिति का संस्थापक सदस्य। कोरोना काल में क्या चुनौतियाँ रही? चुनौती वैसा कुछ खास नहीं है, आप अगर देखें तो गौर करें बीते ढाई साल में कोविड के कारण दुनिया का हर चीज़ रुक गया, लेकिन ढाई साल में कभी सरस्वती पूजा नहीं रुका। या तो सरस्वती पूजा के बाद कोरोना का एंट्री हुआ है, अगर सर पहले हुआ था तो पूजा से पहले कोरोना चला गया, तो कहीं कोई इफेक्ट वैसा नहीं। फिर भी सावधानी बरतना जरूरी है, तो हम लोग को भी इस चीज़ का लोगों को बताया गया कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें और मास्क के साथ मंदिर पहले। और आपने नहीं, इस बार तो बीते दो साल की अपेक्षा ज्यादा उत्साह था भक्तों में, भीड़ भी अधिक हुआ। और कल भी हम लोग का एक कार्यक्रम है, महाआरती का कार्यक्रम, इसमें अधिक संख्या में लोग जमा होंगे और महा भंडारा भी साफ कुछ है। तो उसमें आप लोग सरस्वती पूजा मना रहे हैं, तो कैसे मना रहे हो? हम लोग कोरोना का पूरा गाइडलाइन पालन कर रहे हैं, बच्चों से थोड़ा और आराम से, मतलब माता रानी की कृपा से सब अच्छा से पूजा होगा। मास्क लगा के बच्चे आए। हर साल जैसा हमारे यहाँ पे हर साल पूजा होती है सरस्वती माता की, पर ये जो पूजा है ये हमने बहुत सिंपल तरीके से की है इस साल, क्योंकि पिछले साल बहुत ही हाई फाई हमने बनाया था पंडाल, इस साल इससे छोटा बनाया है, क्योंकि कोरोना कोविड को हमने ध्यान में रखा है एंड ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं करना था, इसलिए हमने पंडाल भी बहुत छोटा ही बनवाया एंड बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा बनाने में, विद इन एक दो घंटे में पंडाल बन के तैयार हो गया। छह लोग हम लोग ने पूरी तैयारी की है, रात रात जाग के हम लोग ने चंदन इकट्ठा की है और मस्ती भी की है। हम 3-4 ईयर्स से सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमें मज़ा आता है, इसीलिए हम सरस्वती पूजा करते हैं। मेरे साथ साथ भाभी लोग जितने हैं ना, ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, आपस में मिलजुल के साथ हम लोग करते हैं, कोई एक जन नहीं कर पाता, एक जन काम भी नहीं है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।